और यार आज गर्मी इतनी हुई है कि मत पूछो। पिछले तो गाइस यस कर रहा है, इस कमरे में एलईडी लाइट लगा रहा है। आपको पिछले 2-3 ब्लॉग पहले पता होगा, और क्योंकि हमने एक लाइट लगाई थी वो पूरे कमरे में नहीं लग पाई थी। ये देखो, ये जो लाइट है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये आपका गई यहाँ तक, ये जो लटक रही है यहाँ पे ख़त्म है। अब सेकंड लाइट हम नई लगा रहे हैं और ये पूरी प्रॉपर पूरे कमरे में ऊपर लग जाएगी। 8 GB लाइट है और इसको पूरा कंप्लीट करते हैं पहले, तो क्योंकि आपको पता है ये अच्छी नहीं लग रही थी। हमने बोला भी था आपको कि जो टेक चैनल है उस पर भी वीडियोज आई करेंगी, और अब फटाफट से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या व्यू आएगा और कैसी लाइटिंग लगेगी। और निहाल अभी नीचे है, नहाने गया था, हम यहाँ काम कर रहे हैं तो पहले काम निपटाते हैं यार, काम बहुत सारा फैला हुआ है। सो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है और सारी लाइटें लगा दी हैं ये देखो। लेकिन एक दिक्कत हो गई है, एक पोपट हो गया हमारा, और वो पोपट ये है इतनी रह गई लाइट, ये जो खाली एरिया देख रहे हो आप, कमरा बड़ा, इतनी लाइट रह गई है। बाकी तो सब सही हुआ है, अच्छी लग रही है बहुत ही। कलर चेंज करियो और देखो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा लाइटों का। अब वीडियोज बनाने में और मज़ा आएगा, नीचे यहाँ पर बैठ के बनाने की सोच रहा हूँ। हाँ ऐसी बनेगी, फेड करियो कोई और कलर चेंज कर। अब देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कमरा। पोपट तो हो ही गया आज हमारा, यहाँ पे इतनी सी रह गई है, दिमाग ख़राब हो गया पूरी लाइट मेहनत का। खैर कोई नहीं, यहाँ का भी करेंगे जुगाड़, एक स्ट्रिप और लानी पड़ेगी और क्या, या कुछ भी देखते हैं, कोई टुकड़ा लगाएंगे बीच से जुगाड़ करके। बाकी अब कमरा काफ़ी कूल लग रहा है। निहाल कर रहा है इस कमरे में पढ़ाई, ये रहा। सुनाना है शिवानी बुआ को, कल तक तो सुनाया नहीं था, आज सुना दोगे? और जो पहले वाला सुना दिया, पहले वाला तो फिर आज दूसरा अलग सुना रहे हो, सुना दोगे? नहीं, शिवानी ने खुद का है ये दूसरा सुना। अच्छा, कमरा बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, मस्त सा। मेरे को देख के दिल खुश हो गया पूरा। और अभी एक लाइट और ठीक करनी है ये वाली इसको भी जुगाड़ करेंगे, कोई ना कोई ठीक करके रहेंगे। चलो यार मेरे को बाहर जाना है काम करने के लिए, तो मैं पहले बाहर से हो जाता हूँ। सो गाइस अभी फिलहाल टाइम हो चुका है मेरे को अपने टेक वाले चैनल पे वीडियोस बनाने का। बहुत दिन हो गए उस चैनल को, मैंने एकदम ही डंप कर दिया था, फ्रीज़ हो गया था 1-1.5 महीने से, उस पर कोई वीडियो नहीं डाली है। तो अब मैंने शुरू सोचा है कि उस पर वीडियोस डालना शुरू करता हूँ, और डेली मैं सोच रहा हूँ उस पर वीडियो डालना शुरू करूँगा, ताकि यार वो चैनल भी थोड़ा ग्रो हो। तो मैं फटाफट से पहले टेक चैनल पे वीडियो बना लेता हूँ। बाकी मैंने सेटअप कर लिया है, ये देखो ये रखी चेयर, ये ट्राईपॉड और लाइटें ऑन कर ली हैं। तो चलो बनाते हैं फटाफट से वीडियो। बाय द वे गाइस, चैनल की वीडियो बना ली है और सकीने आगे से पंखा चलाने रखा था, और यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं ऊपर जाने के लिए। छत पे ये रहे रॉकी भाई, ठीक है, ये रहा यशु, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे, हमें बाहर जाना कुछ सामान लेने के लिए। और ये बैठी है शिवानी, और ये इसका टेस्ट हो गया। नहीं, नहीं, सुना रहे हो? हाँ। सुना रहे हो ऐसे है? ऐसे सुना रहे हो? सुन रही है। अच्छा शिवानी को सुन रही है। तो यार रॉकी हो नहीं, हम भी सामान लेके तो ऊपर ही जाएंगे वैसे तो पहले हम बाहर से काम करके आते हैं, सामान लेके आते हैं, और मैं उससे पहले घर जा रहा हूँ नहाने, फिर हम बाहर जाएंगे, उसके बाद सामान लेके आएंगे, फिर छत पे जाएंगे। तो पहले तो हम जाते हैं घर पे नहाने। तो अभी तो गाइस जैसे कि हम जा रहे हैं घर का कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने, तो आप ये देख सकते हैं लॉकडाउन में बसें बस खड़ी हैं, चल तो रही नहीं है, और रोड सारे ऑलमोस्ट खाली पड़े हैं, ट्रैफिक भी नहीं है। वरना इस रोड पे जो लोग सागरपुर पंखा रोड के आसपास रहते हैं उन्हें पता है इस रोड पे कितना ट्रैफिक रहता है। सब दुकानें बंद, सब कुछ गली सूनी पड़ी है, यहाँ स्कूल भी था तो हलचल रहती थी, पता ही कैसा था, सब बंद। तो ये देखो यार, ये RW वालों को बताओ ये क्या बना रहा था यहाँ पे। I cannot persuade you.
अभी फ़िलहाल आ चुके हैं बाहर से सारा काम करके, और टाइम हो चुका है रात के 9:30। और यार बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, कब के निकले हैं शाम के 5 बजे के, और घूमते घूमते सामान इतनी मुश्किल से मिला है दुकानों पे लॉकडाउन की वजह से। मोस्टली दुकानें बंद ही थी उसके चलते कितनी मुश्किल से हमने सामान इकट्ठा करा। अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत होगी बाहर, और यार भाई पहले पानी वानी पीजूँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ वहाँ से सीधा घर पे, और यार आज गर्मी इतनी हुई है कि मत पूछो, पिछले 4-5 दिन से गर्मी एकदम इतनी बढ़ गई है कि मत पूछो, मतलब बैठा ही नहीं जाता। मैं 5 बजे से काम कर रहा हूँ तो गर्मी में पागल हो गया बिल्कुल ही, मतलब और दिमाग ख़राब हो गया गर्मी के मारे ना। बस ऐसा लग रहा है, मन कर रहा है कि नहा लूँ, लेकिन यार अब नहा भी नहीं सकते, तबीयत भी ख़राब होने के चांसेस हैं। और अभी फ़िलहाल यहीं पे आराम कर रहा हूँ, ठंडी हवा चल रही है, अब जाके हवा भी चल रही है, वैसे हवा भी नहीं चल रही है, अगर हवा चलती है ना तो इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन वैसे पूरे दिन हवा ही नहीं चल रही ज़्यादा, और अब हवा चल रही है बाहर तो थोड़ा बहुत यहीं पर ठंडक फील हो रही है। और अभी फ़िलहाल के लिए खाना वाना खाया नहीं है, पहले चलो मैं खाना ही खा लेता हूँ यार फटाफट से, फिर ब्लॉग भी एडिट करना है, क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करके। सो है गाइस फ़िलहाल के लिए खाना बना सब कुछ खा लिया है, और अभी आ रही है यार बड़ी ज़ोर की नींद, गर्मी इतनी लग गई थी, और अभी तो पेट में एसिडिटी भी हो गई थी मेरे को, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यार। कूलर चलाया थोड़ा बहुत कमरा ठंडा होगा। फिलहाल मैं करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक करके जाना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।